वेलकम गाइस, साइंस एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएस नर्सिंग के फॉर्म कब आएंगे 2020 में। सो गाइस, आपके बहुत सारे के कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट के कि सर 2020 में उत्तर प्रदेश में बीएस नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए, हमको कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो चलिए आज इसी को हम बात करने वाले हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में फॉर्म कब आने वाले हैं, और साथ में हम जानेंगे कि इसके लिए योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कितनी सीट्स है और आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है, ये सारी जानकारी हम गेन करने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस सब्सक्राइब कीजिए साइंस एमके चैनल को और पाए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी 2020 की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता देता हूँ कि 2020 में कब भरे जाएंगे। सो गाइज, इसके फॉर्म भरे जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ठीक है, सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपके 2020 में फॉर्म आ जाएंगे, बट उससे पहले ये आपको ये जानना जरूरी है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म कब आएंगे, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक आ जाएंगे। डोंट वरी, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपके फॉर्म बहुत जल्द आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, बट उससे पहले आप जान लो कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए आपके बीएस नर्सिंग करने के लिए उत्तर प्रदेश में, जो 4 साल का होता है और यहाँ पर 60 सीट है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 10+2 इंटरमीडिएट आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश होना अनिवार्य रहे। ठीक है, और मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए पीसीबी इंग्लिश में, 45 जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी वाले होते हैं एससी एसटी वाले, उनके 40% होना चाहिए 12th में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज क्राइटेरिया यानी कि आपकी उम्र मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए कंप्लीटेड। ठीक है, कब होनी चाहिए, 1 यानी कि दिसंबर 2020 तक आपकी उम्र 17 वर्ष हो जानी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकोगे यूपी बीएस नर्सिंग में। सो गाइज, यहाँ पर हमने बात कर ली उत्तर प्रदेश में बीएस नर्सिंग एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आपको सारा PDF आपको मिल जाए और आप यहाँ से सारे कोर्स की जानकारी ले सको। ठीक है, सभी कोर्सेज के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलते आगे की ओर। यहाँ पर कुछ योग्यता दी हुई है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए फुल डिटेल के साथ दिया हुआ है। ठीक है, कि अभ्यर्थी कहाँ का निवासी होनी चाहिए, अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। जिन अभ्यर्थी ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट समय जो की है जैसे कि 10+2, वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, आईसीएमई की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला कि आपकी दिसंबर 31 दिसंबर 2020 तक आपकी उम्र 17 वर्ष होने जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2019 का PDF है तो यहाँ पर आप 2020 मान सकते हो क्योंकि PDF सेम आने वाला है। ठीक है, सो 31 दिसंबर 2020 तक आपकी उम्र कितनी हो जानी चाहिए, 17 वर्ष हो जानी चाहिए। और यहाँ पर JNM और ANM का भी दिया हुआ है, अगर आप JNM करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम 35 है। ठीक है, यहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हो, और ANM तो ओनली महिलाएं ही करती है। ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पर इंट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तैयारी की बात करें, आप सोच रहे हो सर तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में GK MCQs MK चैनल है, ये आपकी बीएस नर्सिंग की तैयारी इतनी परफेक्ट कराएगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। ठीक है, GK MCQs MK चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको डेली रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, रोजाना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में जो बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। सो गाइज, अगर आप रोजाना जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपको रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में उत्तर प्रदेश के बीएस नर्सिंग के फॉर्म रिलीज होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये फॉर्म आपको किस प्रकार से बनना है ये इसकी भी आपको जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, चलते आगे एक और, ये कुछ इंट्रक्शन कुछ वार्निंग भी आपको दी हुई है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, 2019 में कब हुआ था आपका एग्ज़ाम, 1 सितंबर 2019 रविवार। ठीक है, और इस बार भी आपका सितंबर तक फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस साल क्या है COVID-19 आ गया, कोरोना वायरस आ गया, तो इस कारण आपका जो फॉर्म है वो डिले हो चुका है, नहीं तो आपको जुलाई में भर जाते थे पहले तो। ठीक है, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है,
तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 33, 33, 34, 34, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड में यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके लिए जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा कार्यक्रम, एग्जामिनेशन शेड्यूल, ठीक है। चलते आगे एक और, ये देखिए सारी सूचना आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपके बी एस नर्सिंग में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हम उनकी बात कर रहे हैं ओनली। रिजर्वेशन की बात करें कि किसको कितना आरक्षण है, तो अनुसूचित जाति के लिए 21 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 है, ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी इनके लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हो, फिजिकल हैंडकैप, ठीक है। चलते आगे, और प्रवेश पत्र आपको अपने मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा और साइंस एम के चैनल भी आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपके प्रवेश पत्र आ चुके हैं, ठीक है। चलते आगे, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आप देख सकते हो और अति महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। परीक्षा परिणाम आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर शो कर दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करनी है। मेरिट सूची की घोषणा साइंस एम के चल भी अवेलेबल करा देगा और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। और जैसा कि हमने जाना है कि यूपी में बीएस नर्सिंग के फॉर्म कब भरे जाएंगे, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2020 तक आ जाएंगे, यानी कि सितंबर में आएंगे फॉर्म, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, ठीक है। अगली बात थी कि सिलेबस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अगली बात आती है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। सो गाइज, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जीके एमसीक्यू जेम के चैनल, वहाँ पर रोजाना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, जीके एमसीक्यूज एम के चैनल है जहाँ पर रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपलोड होते हैं, रोजाना, एक दिन भी मिस नहीं होता, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप तो तैयारी करते रहो, फॉर्म की टेंशन साइंस एम के स्कूप पर छोड़ दो, सिंपल सी बात है। क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आए थे सर यूपी में कब आएंगे, तो मैंने स्पेशली वीडियो बना दिया है। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो कमेंट कर सकते हो कि हमारे यहाँ भी कब आएंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, बस आपके कमेंट चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता भी जान ली कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और एग्जाम का पैटर्न सेम वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। ये सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ये पीस देख सकते हो, काउंसलिंग पीस, उनकी सूचना भी यहाँ दी हुई है, सारी सूचना आप जान सकते हो एग्जाम फॉर्म भरने से पहले। सेम क्राइटेरिया 2020 में यही रहने वाला है, ठीक है। काउंसलिंग पीस आप देख सकते हो, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। काउंसलिंग के जो है ये निर्देश दिए हुए, अब आप सोच रहे हैं सर काउंसलिंग कैसे होती है, ये आपका रिजल्ट आने के बाद एक काउंसलिंग होती है, ठीक है। जब आप यूपी बी एस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे दोगे ना, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग थ्रू आपका एडमिशन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये परीक्षण शुल्क आप देख सकते हो, कोर्स की फीस कितनी है, ठीक है, सारा क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, हॉस्टल, सो आप ये सब जान सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अधिक जानकारी गेन कर सकते हो, ठीक है। और तैयारी करते रहो, और तैयारी करने के लिए जीके एमसीक्यूज एम के चैनल को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्म तो आ जाएंगे फर्स्ट वीक सितंबर में, उसकी सूचना आपको साइंस एम के चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, डोंट वरी।